जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। श्रीफल, श्रीफल देखा होगा, नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहाँ से जटा होती है और पकड़ के जहाँ से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में तीन छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में तीन नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उस तरफ देखेंगे तीन नेत्र मिलेंगे, तीन छिद्र मिलेंगे, वो तीन चक्षु हैं। शंकर के तीन नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो तीन चक्षु नारियल, तीन नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहाँ जटा होती है वहां उसके तीन नेत्र होते हैं। तो हमारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पड़े तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। और रखने के बाद में दूसरा दिन और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आई। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आई, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की दहली पर छुला कर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापिस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज। हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में हो रहे महाराज। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है, 7 धतूरे। कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मूली, लच्छा, नाड़ा लपेट कर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर, 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव, शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहाँ शिवलिंग रखा है, जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है, जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार
शिवलिंग के सामने से जहाँ से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे 1 धतूरे पर मोली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे उसमें से 1 धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, 2 धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, 3 धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर 1 धतूरा, 1 धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर 1 धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आज भी नियम है जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप कर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए, 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता। अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई, जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है या काली पड़ने लगती है या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र और जहाँ अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाता है। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता है, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का, बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो उधार पैसा दे या उधार सामान दे उसको अशोक सुंदरी का बड़ा स्मरण करना चाहिए। किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग पैसा देने से पहले 1 लौंग अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा ले और जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है उससे बात करके फिर उधार पैसा दे, वो पैसा आपका वापस आएगा ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगा पर पैसा आएगा, ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है। जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो या मूंगा कहीं
उसके घर में पड़ा हो या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे। अदालत में केस बंद हो जाएगा, पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय, हो आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग ये गोल जो भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग, शिवलिंग के सामने जहां से पानी बहता है वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की पांच लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में दो या तीन बार लिया, अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारे पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगा, घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिख कर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं। आज भी प्रमाण है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी के शरीर में कोई बीमारी हो गई है, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, या काया में कोई ऐसा रोग हो गया कि फुकलियां निकलना चालू हो गई, या चर्म रोग हो गया, कुछ मत करिए, अलोनी गोबरी लीजिए, गोबरी मतलब कंडा, अलोना कंडा, गाय पोटा करती है वो सूखा हुआ, सूखे हुए कंडे को लेकर जला लीजिए, जलाने के बाद में उस कंडे की राख को सफेद वस्त्र में ले लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर जाकर उस भस्म को शंकर भगवान पर जाकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाकर उस भस्म को वापस उठा लीजिए, भस्म उठाकर उसको लेकर आ जाइए, संपूर्ण